नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत एलएलबी में। किसी व्यूअर का सवाल आया हुआ था जिसमें उन्होंने पूछा था कि वीजा फ्रॉड के केस में कोई लीगल एक्शन क्या लिया जा सकता है। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल। चलिए शुरू करते हैं। सो डियर, सबसे पहले तो बात करेंगे कि आपको अवेयर रहना है, सुचेत रहना है। किसी भी वीजा के लिए या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो पहले अपनी प्रोफाइल को अच्छे से समझिए, अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कीजिए। जो जॉब आपको ऑफर की जा रही है आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो या नहीं। अगर आपकी कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल कॉमन प्रोफाइल है, एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, कोई स्पेशल स्किल नहीं है, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक लेवल पर किसी रेपुटेटेड कंपनी या रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है और आपको किसी ए ग्रेड कंट्री जैसे कैनेडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए ऑफर दी जा रही है तो आपको कंपनी और एजेंट्स को अच्छे से वेरीफाई करना है। जब आपको विदाउट कोई स्पेशल स्किल के फ्री वीजा ऑफर किया जा रहा है तो आपको अवेयर हो जाना है। बहुत से व्यूज के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर हमसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रही है, सिर्फ डॉक्यूमेंट ही सबमिट करवाने हैं। बट 2-3-4 महीने के बाद उन्हीं एप्लीकेंट को मैसेजेस आते हैं कि सर हमसे मेडिकल के नाम पर इतने पैसे ले लिए, ट्रेवल इंश्योरेंस के नाम पर इतने पैसे ले लिए, वीजा स्टैंपिंग के नाम पे, लीमिया के नाम पे, और पता नहीं क्या क्या बहाने बना के पैसे निकलवा लिए जाते हैं। और जब लगता है कि एप्लीकेंट और पैसा पे नहीं कर सकता है तो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करने के नाम पे, डॉक्यूमेंट्स वापस करने के नाम पे 10-20-50 हजार रुपए भी मांगते हैं। बहुत से एप्लीकेंट जो है चुप करके पे भी कर देते हैं। सो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ड्रीम देखने से पहले, कोई भी सपना देखने से पहले उसकी रियलिटी को समझ लो, उसके प्रोसेस को समझ लो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बड़े सपने मत देखो, बल्कि उसके लिए किसी फ्रॉड एजेंट से किसी शॉर्टकट की होप मत रखो। उसके लिए अच्छे से रिसर्च करो, उसके जेन्युइन प्रोसेस को समझो। अगर उसके लिए प्रोफाइल को बिल्ड करने या अच्छी प्रोफाइल की जरूरत है तो प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए टाइम लगाओ, जल्दबाजी के चक्कर में अपना पैसा और टाइम वेस्ट मत करो। शॉर्टकट के चक्कर में वो काम कभी भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक वे में जो है क्लियर होकर ही कोई भी वीजा स्टैंपिंग जो है हो सकता है। अभी बात करते हैं कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो क्या करना चाहिए। आपको लीगल एक्शन की बात करें तो ये जो फ्रॉड एजेंट्स हैं बड़े बड़े ऑफिस ओपन करके फ्रॉड कर रहे हैं तो लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने का, शिकायत करने का कोई फायदा ज्यादा नहीं होता है। हालांकि मैं खुद लीगल फील्ड से हूं बट वो कंप्लेंट पर ज्यादा गौर नहीं होती है। आपने कोशिश करनी चाहिए कि कंप्लेंट जो है सीनियर अथॉरिटी तक पहुंचे। इसके अलावा आप फ्रॉड केसेस में डिस्प्यूट केसेस सॉल्व करने के लिए वकील या किसी एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट ज्यादा है, लाखों में है, तभी आपको ये स्टेप लेना चाहिए, बिकॉज इसके लिए प्रॉपर एक टीम काम करती है। लीगल प्रोसेस बहुत लेंथी होता है। अगर आपकी 5-10-20 हजार की पेमेंट है और आप लीगल एक्शन की बात करते हैं तो बेशक आप ले सकते हैं, बट इसके लिए सालों के साल निकल जाते हैं। ये जो एजेंट एग्रीमेंट करते हैं, रिसिप्ट इश्यू करते हैं, इसकी वैल्यू सिर्फ कोर्ट में होती है और इनको कोर्ट तक पहुंचने में सालों के साल लग जाते हैं। फिर भी यही एडवाइस है कि अगर ऐसा हुआ है तो चुप मत रहिए। आपके चुप रहने से इन फ्रॉड एजेंट्स का जो है वो हौसला, इनकी हिम्मत बहुत बढ़ती है और ये बड़े बड़े फ्रॉड्स को अंजाम देते हैं। सो उम्मीद है आपको ठीक है ना, इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अवेयर रहिए, फर्जी एजेंटों से बच के रहिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।